क्या बोलना चाहेंगे सिदनाज के बारे में? सिदनाज के बारे में तो मैं हमेशा बात करती हूँ। आज कुछ ओवरऑल आप क्या बोलना चाहेंगे? है ना, ट्विटर पे ब्लश बहुत ही क्यूट था, तो मुझे जानना है लोगों, लाइक आई रियली वांट टू नो व्हाट पीपल थिंक अबाउट इट। हाउ डू यू गाइस सी कि यू नो ये जो हम कुछ भी ट्रेंड करते हैं ना, like this is so cute and this is so like this is really mind blowing कि अभी तक सिदनाज के लिए जो hype है वो कम नहीं हुई है, like it's just there। तो how do you see this, अमन? hype कभी सिदनाज की कम हो ही नहीं सकती। लोग उनको अलग करने में लगे। पागल है, you know, सिदनाज के पीछे जो पागल है, कुछ भी trend करते हैं ना, इसको आप कैसे देखते हो? लाइक आपको क्या लगता है ये हाइप कितने दिनों तक, यू नो, वी हैव सीन ना कि ट्रेंड 5 मिलियन तक जाता है, 3 मिलियन तक जाता है, लेकिन इस बार तो ट्रेंड यू नो इट जस्ट रिच्ड अराउंड 1.2 मिलियन। हाइप थोड़ी सी है, आपको क्या लगता है हाइप थोड़ी सी कम? लोग तो भी नो हाइप कम नहीं हुई है, लोग एक्टिव नहीं थे। ये ट्रेंड तो ऑटोमेटिकली रखा गया था, नॉट बिफोर डिसाइडेड, जस्ट 1 वीक में ही ट्रेंड किया गया है। वो ट्रेंड तो बहुत पहले से डिसाइडेड होते थे। एक्चुअली सिदनाज ही खुद कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं वक्त वक्त पे, तो लोगों के अंदर उत्सुकता बढ़ती जा रही है आखिर चल क्या रहा है इन दोनों का। क्योंकि सिद भी थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं और शहनाज भी थोड़ा इधर उधर। आपको यू नो मैं एक बात बताती हूँ आपको, मैंने कुछ नोटिस की है। मैंने कल आज मैं लाइव आई थी दोपहर को, एंड मैं इसके बारे में बहुत बात कर रही थी यार। मुझे ऐसा लगता है कि यू नो सिद्धार्थ इज टेकिंग बेबी स्टेप। वो यू नो लाइक बेबी 14 के बाद ना उससे बहुत ओपन अप किया है, यू नो लाइक बहुत सारे ही इज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्टेप्स टुवर्ड्स मेकिंग इट ऑफिशियल। तो आई थिंक बहुत जल्दी ऑफिशियल कर लेंगे ये दोनों। क्या लगता है आपको? क्योंकि बहुत ओपन अप हो चुका है सिद्धार्थ, आपको नहीं लगता? बहुत ज्यादा। मैं वैसे ही थोड़ी लगता हूँ सिद्धार्थ साथ हैं और खुश हैं। कुछ इंटरनल भी मेरे सोर्सेस हैं वो मुझे अपडेट करते हैं। लेकिन यू नो ऑफिशियल करना तो यू नो लाइक मैंने तो आई वॉज थिंकिंग की इतना यू नो लाइक आई डिड नॉट एक्चुअली एक्सपेक्ट कि सिद्धार्थ you know he would just open up so it's quite early now because you know he's still working, Shehnaaz is still working, so I thought he you know he will take more time, they'll settle down and then you know like take these steps whatever he's doing right now. mujhe laga ki you know he's going to take more time. हाँ बोलो। ये तो आपको भी पता है सिद्धार्थ बिग बॉस में भी सना को आगे ले जाने के लिए बहुत चीजें की थी सिद्धार्थ ने कि वो अपने दम पे जाए। तो यही सोच सिद्धार्थ अभी भी रखते हैं कि शहनाज उससे कुछ करे। और अमन शायद आपने नोटिस किया है ये जो मैंने कल या परसों शायद एक ट्वीट किया था कि यू नो ये जो सिद्धार्थ टैग यूज करना है ना, वो सिद्धार्थ ने कभी सिद्धार्थ टैग यूज नहीं किया, लेकिन वो अभी करता है। ये 5 बिलियन का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है ना सिद्धार्थ ने, आफ्टर दैट ही हैज यूज्ड दिस हैशटैग एंड देन यू नो लाइक सना को पूरी फैमिली के साथ यू नो मिंगल, जो अफकोर्स सना रहती है पूरी फैमिली के साथ, लेकिन यू नो ऑडियंस के सामने without any hesitation Sana is putting up a video and he's letting her do it, and then you know वो dinner पे ले जाना Sana को, लोग देख रहे हैं ना, he's opening up actually, you know restaurant में tap होना, airport पे tap होना, and then पंजाब से जब लौटे थे तो you know Sana को अलग से जा सकती थी, right? आपने उनकी real life pictures देखी हैं, चाहे वो एयरपोर्ट के अंदर बैठे हुए देखना, चाहे वो पार्टी के बाद उनको स्पॉट करते देखना, बहुत कुछ बताता है आपको कि वो कितना ज्यादा एक साथ है। इट्स नॉट अ लाइफ से छोटी चीज नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। हर एक सोलोज के बारे में बात नहीं करती, बहुत पॉजिटिव सोलोज भी है ना। शहनाज को बहुत रिस्पेक्ट करती है, इधर यू नो शहनाज भी बहुत सारे शहनाज रखे हुए जो सिद्धार्थ को रिस्पेक्ट करते हैं। बट यू नो जो नेगेटिव है, ये लोग बेसिकली हमेशा नेगेटिव ही रहेंगे। दे आर नेवर गोइंग टू, दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ डिनाइल। दे यू नो दे विल नेवर एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे आर टुगेदर। मैं तो हमेशा बोलती हूँ अमन कि अगर आप सिद्धार्थ का यू नो इफ यू आर फैन ऑफ सिद्धार्थ देन यू कैन नेवर हेट शहनाज। अगर आप शहनाज के फैन हो ना तो आप कभी सिद्धार्थ को देख नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये लोग तो दे लव ईच अदर, हाउ कैन दे हेट देम, है ना। तो बिल्कुल सही बात, मेरे लिए आप सोच नहीं सकते हो ना। आप हमेशा अपडेट्स लेते हो ना, वी ऑलवेज लुक अप टू यू, आप अपडेट्स लेके आते हो एंड एवरीथिंग। बट ट्रस्ट मी, डाउन द लाइन एंड डीप डाउन इन माय हार्ट में हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि यार जो हमने बिग बॉस में देखा है ना, आफ्टर दैट इफ स्टिल पीपल नीड ग्रुप्स ऑफ देम बीइंग टुगेदर देन देयर इज नो पॉइंट इन शिपिंग, है ना। क्योंकि हमने जो देखा है ना बिग बॉस में, आई थिंक दैट इज इनफ। फिर भी लोगों को प्रूफ चाहिए कि यू नो लाइक ये काफी नहीं है। आज भी शहनाज ने जो स्टोरी डाली है उसमें भी आई थिंक समबडी वो स्पीच जो है ना, किसी ने आपने देखा ना? यस है। तो और कितना प्रूफ चाहिए लोगों को जिसकी देर से ज्यादा है। अभी भी लोग यू नो there are few negative Sidharth and Shehnaaz जो बोलते रहते हैं, you know Shehnaaz नहीं रहती है सिद्धार्थ के साथ and they are just friends and everything. So after all this, after doing so much, after opening up so much, पता नहीं ये सब कब बंद होगा। यार मुझे literally like I feel sorry for this people. ये सब स्टॉप केवल सिद्धार्थ ही कर सकते हैं। अब वो उनकी विश है, वो कब कर सकते हैं नहीं है। और नेगेटिव तो यू नो लाइक नेगेटिव लोग तो रहेंगे, कुछ तो लोग हैं रहेंगे, है ना, लोगों का काम है कहना। बट पता नहीं, आई एम हैविंग अ फीलिंग कुछ दिनों से कि शायद सिद्धार्थ यू नो, मेरी एक फ्रेंड है जो हमेशा बोलती है कि जॉय सिद्धार्थ डायरेक्टली कुछ नहीं बोलेगा, बस एक पिक्चर डालेगा और बस शायद एक लाइन और शायद एक इमोटिकन डालेगा एंड ही इज गोइंग टू मेक इट ऑफिशियल इन दैट। एंड पता नहीं क्यों मुझे कुछ दिनों से यू नो आई एम हैविंग अ वाइब दैट द वे ही इज ओपनिंग अप ही इज गोइंग टू मेक इट ऑफिशियल वेरी सून। आप लोगों को क्या लगता है नीचे? एम आई सेइंग एनीथिंग रॉन्ग? गाइज आप लोग कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है इस बारे में। हाँ, मुझे ये पता है कि ऑफिशियल करने की कोई जरूरत नहीं है, बट देन अगेन ये जो ऑफिशियल करते रहते हैं ना लोग, हमारे लिए तो नहीं है। हम सिद्धार्थ, हमें तो विश्वास है ना कि आपकी थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा अभी ठीक है? मुझे भी समझ में नहीं आ रही थोड़ा कहीं। अभी ठीक है? इज इट ओके नाउ? अब ठीक है। हाँ, सब लिख रहे यस, एग्री। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है अमन कि यू नो बहुत जल्दी हमें कोई गुड न्यूज मिलेगी। आपको क्या लगता है अमन, ये शहनाज क्या कोई प्रोजेक्ट कर रही है क्या? डू यू हैव एनी अपडेट? शहनाज के प्रोजेक्ट में तो यही एक अपडेट आई थी शुरू में, मैंने आप सबको अपडेट किया था वेब सीरीज के बारे में। तो उसी का वेट है कि वो कब तक फ्लोर पे आती है, क्योंकि अच्छा, वो इसको अच्छा, प्रोजेक्ट ऑफर हुआ है अच्छा वेब सीरीज वाला। हाँ, एंड यू नो ये इंडिविजुअलिटी डेफिनेटली यू नो अमन, मैं हमेशा बोलती हूँ दैट ये जो सिद्धार्थ जो आ रहा है विद ट्रिपल B3 एंड देन शहनाज विल आल्सो बी कमिंग, है ना। तो ये इंडिविजुअलिटी तो मैटर करती है डेफिनेटली, शहनाज के लिए बहुत करती है क्योंकि यू नो शी इज न्यू इन द इंडस्ट्री। सिद्धार्थ को सब जानते थे, पहले से जानते थे, लेकिन शहनाज बहुत यू नो शी इज न्यू, शी इज कम्प्लीटली न्यू टू द इंडस्ट्री। एंड सोशल मीडिया के बाहर भी एक दुनिया है जो जिसमें यू नो न्यूट्रल ऑडियंसेस रहते हैं, एंड शी नीड्स टू रीच दोज न्यूट्रल ऑडियंसेस ऑल्सो। सो हर इंडिविजुअलिटी मैटर्स। बिफोर सिडनाज they are individual people, they are Sidharth Shukla and Shehnaaz Gill, so people need to know them individually as well। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यू नो हर वक्त हम ऐसा तो नहीं, यू नो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू वर्क टुगेदर ऑलवेज। उन लोगों को यू नो डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ काम तो करना पड़ेगा, अदरवाइज न्यूट्रल ऑडियंसेस के साथ तो यू नो दे विल नॉट बी एबल टू रीच द न्यूट्रल ऑडियंस। बहुत ही जरूरी है, अगर हम प्रॉपर फैंस है ना, इफ वी आर द ट्रू फैंस ऑफ सिडनाज देन वी विल वांट देम टू वर्क इन विद डिफरेंट पीपल, है ना अमन? यस यस यस, न्यूट्रल्स बहुत मैटर करते हैं, राइट। हाँ, एंड न्यूट्रल मैटर करते हैं क्योंकि आप देखो, आप मेरे साथ एग्री करोगे, कुर्ता पजामा इतना हिट है ना, 150 मिलियन विद इन 2 मंथ्स। इसके पीछे सिर्फ सिडनाजियंस, इसके पीछे शहनाजियंस नहीं है, इसके पीछे है ना। तो मुझे लगता है कि जब न्यूट्रल ऑडियंस तक आप यू नो व्हेन यू कैन रिच न्यूट्रल ऑडियंस ना, दैट यू नो दैट हेल्प्स यू टू गेन द पॉपुलैरिटी वेरी इजीली, है ना? आपको क्या लगता है? डोंट यू थिंक आई एम सेइंग लाइक यू नो इट्स अ फैक्ट दैट यू कंटिन्यू। आप बिल्कुल सही बोल रही हो जॉय। हाँ, न्यूट्रल ऑडियंस बहुत यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम श्योर Triple B 3 बहुत हिट, यू नो इट्स गोइंग टू बी वेरी हिट, बिग हिट एंड सुपर हिट होगा क्योंकि ऑलरेडी दिस वेब सीरीज इज अ हिट, एंड सिद्धार्थ शुक्ला इन इट। तो सिद्धार्थ 2 साल बाद आप एक्टिंग करने आ रहे हैं पर्दे पे, गाइस आप सब लोगों को तो खुश होना चाहिए सिद्धार्थ के लिए। एग्जैक्टली, मैं तो बहुत खुश हूँ अमन। और आप यू नो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ अमन, शायद ये बहुत सारे लोगों के लिए ये बोरिंग हो जाएगा, लेकिन सीरियसली मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि यार ये सिद्धार्थ और शहनाज ना मेरे लिए सेलिब्रिटी नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ माई फैमिली, ओके। एंड मैं जब दुआ करती हूँ ना अपनी फैमिली के लिए, जब दुआ करती हूँ तो उन दोनों के लिए बाय डिफॉल्ट मैं दुआ करती हूँ, क्योंकि ये दिस जस्ट कम्स नेचुरली, इट कम्स नेचुरली विद इन मी। एंड पता नहीं क्यों ये दोनों मेरे लिए बहुत ही अनमोल है, एंड आई कैन नॉट डिस्क्राइब माई फीलिंग्स फॉर देम। तो एज एन ऑडियंस, एज अ फैन, ये सब भूल जाओ क्या इमोशनल अटैचमेंट है उन लोगों के साथ हमारा, बट एज एन ऑडियंस, एज अ फैन, आई वुड से दैट यू नो सिद्धार्थ शुक्ला इज एन अमेजिंग एक्टर एंड ही नीड्स आवर सपोर्ट, ही नीड्स आवर सपोर्ट। तो जब ये रिलीज होगा ना, मुझे पता है अमन आप जो भी बोलो ना, मैं जो भी कहूँ आके लाइव, बट लोगों को कहीं ना कहीं ये यू नो लाइक है कि काश शहनाज होती सिद्धार्थ के साथ, लेकिन यार इंडिविजुअलिटी बहुत मैटर होता है। और ये आई डोंट नो, बट आई थिंक हमें शहनाज को और सिद्धार्थ को इंडिविजुअली सपोर्ट करना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही बात। अब शहनाज का भी तो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट आएगा, फिर भी आप लोग उस समय ऐसे करोगे तो सही नहीं रहेगा, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा दोनों को इंडिविजुअली, वरना वो पैसे कैसे कमाएंगे? आप लोग दे दो तो ठीक है, वो घर बैठ जाएं, क्यों? कल हमारी लाइफ में एक सीरी आई ट्विटर से, उन्होंने यही कहा कि अगर आप लोग उनको इंडिविजुअल काम नहीं करने दोगे तो पैसे आप दे दो उनको, वो घर बैठ जाएंगे और आप उन दोनों को देखते रहो। हाँ, एक आपके साथ लाइव आती है एक दीदी है, अमेरिका में रहती है, पूजा दी, यू नो वो हमेशा बोलती है मुझे कि जॉय तुझे पता है लाइक मुंबई एक यू नो इट्स लाइक न्यूयॉर्क, इट्स लाइक न्यूयॉर्क जैसा, लाइक मुंबई न्यूयॉर्क जैसा एक्सपेंसिव है, एंड टू सर्वाइव इन अ सिटी लाइक मुंबई you need to work hard. You know, Sidharth had a very big break. वो काम से बहुत दिनों तक दूर था. He was not working for 1.5 years. Abhi, whatever he's doing, he has stepped into the second innings of his life. He's a fantastic actor. मैं बहुत ही बड़ी फैन हूँ सिद्धार्थ का. And definitely I love Shehnaaz. I love Shehnaaz. But सिद्धार्थ का एक बहुत different aura है. And उसको ना वो aura use करना चाहिए अमन. He should use his skills. He's a very good actor. And Shehnaaz को भी I'm sure सिद्धार्थ बहुत groom कर रहा है. उसकी जो problems addiction की जो problems है and everything. Shehnaaz बहुत confident हो चुकी है पहले से. आपने देखा वो जो ad कर रही है ना recently. She's very spontaneous. She's speaking very confidently. आपको नहीं लगता? हाँ बिल्कुल. मामा अर्थ वाला ना. हाँ मामा अर्थ वाला. She speaks very spontaneously. She's very confident, and I would say 1-2 years के अंदर देखना Shehnaaz is going to be a bomb. She's going to be a bomb very soon. And age भी कम है ना अमन. बहुत जल्दी shine करेगी. अगर she's very hardworking. She's very hardworking. Very hardworking. Very hardworking. और वो हमेशा बोलती ही है दोनों काम करते रहें और दोनों साथ रहें. बस यही चाहिए सिडनाज फैंस को. हाँ. और पता नहीं मैं जब देखती हूँ ना उन दोनों को यार सीरियसली. आज जो 2 pictures आया है ना सिडनाज की जो 2 pictures आई है ना मैं बस I was just zooming in and zooming out. मैं seriously मैं खो जाती हूँ. लिटरली खो जाती हूँ. ये जो 2 pictures आई है ना सिडनाज की सोना के साथ एक हाँ. तो सीरियसली मैं जब देखती हूँ ना लोग मुझे पागल कहते हैं. मेरे घर में सब मुझे पागल कहते हैं. बट ऑनेस्टली जब मैं उन दोनों को साथ में देखती हूँ नथिंग मैटर्स टू मी यार. कुछ भी सामने से नथिंग मैटर्स टू मी. मेरे ऑफिस की बहुत सारे काम पड़े हुए हैं. I did not even touch. मैं VMs बना रही थी. I was listening to songs. I was watching their pictures. क्योंकि ये मेरे लिए बहुत important है. कुछ भी आ जाए ना सिद्धांत की तो मैं बस खो जाती हूँ. ये पता नहीं अमन ये हम बर्बाद हो चुके हैं literally. मुझसे पूछो मैं कितना बर्बाद हो चुका हूँ. मैं पूरी रात लाइव करता हूँ. 9 महीने से कर रहा हूँ. हाँ आपकी डेडिकेशन तो हैट्स ऑफ टू यू अमन. सीरियसली आप इतना डेडिकेटेड फैन. दिन रात लगा दिए अपने ट्विटर के ट्रेंड्स में. सोलो का ट्रेंड हो सिपर का ट्रेंड हो फिर इंस्टा पे पोस्ट करना फिर लाइव यूट्यूब पे डालना. अच्छे अच्छे पॉजिटिव लाइफ पॉजिटिविटी स्प्रेड करना. आपको एक बात बताती हूँ. शायद बहुत पुरानी बात है. लोग सुनना पसंद करेंगे या नहीं मुझे पता नहीं है. बट मैं हमेशा इस बारे में बात करती हूँ. बहुत पुरानी बात है. जब MSK हैपेंड ना तो मैं हमेशा इस बारे में बात करती हूँ क्योंकि मुझे ना उस दिन ये यकीन हो चुकी थी. I was 100% sure that this man is in love with her. And हाँ लोगों को Big Boss से लोग श्योर थे. बट मैं कहीं ना कहीं I used to get tilted. बट MSK में जो हुआ ना first day on the set उसके बाद अगर एक अंधे को जाके आप बोलोगे ना कि this happened तो वो जो a blind person is also going to start shipping SidNaaz. क्योंकि उन दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज है ना इट्स वेरी सरियल यार. इट्स डिफरेंट. अच्छा कोई निधि दी यू हैव अ क्वेश्चन हियर. डू यू थिंक मैरिज कैन हार्म सिडनाज इंडिविजुअलिटी? नो मैरिज विल नॉट हार्म हर इंडिविजुअलिटी क्योंकि द पर्सन शी इज गेटिंग मैरिड टू ना दैट पर्सन नोज द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअलिटी. सो दैट पर्सन इज नेवर गोइंग टू लेट anything harm her individuality. What do you think, Nidhi? Not at all, yaar. Marriage does not take away anybody's individuality. Be it me, myself being married, be it a big person like Jaya Bachchan being married to Amitabh Bachchan, be it Kajol getting married to Ajay Devgan. A marriage can never take anybody's individuality. Absolutely. हाँ निधि ब्रेक तो जरूर आती है. When you get pregnant, break आती है. Absolutely, which is normal. Which is break आती है. Exactly, it's normal. And you know, marriage is it's a natural process. Everybody has to go through it. And why it should, you know, like stop you from doing something that is going to make you a star. Marriage, you know, if you're getting married to a star, like, you know, if Sana gets married to Sidharth Shukla is working in the same industry, then why would her career have a full stop? It will never have a full stop. What do you think, Nidhi? I really don't think this will ever happen. And being the fact that Sidharth comes from a family of women, and he supports women to the point, you know, where he gives exactly, huh? So there's no, I mean, that question is just stupid. I mean, I don't even want to feel like answering it, but yes, I will answer, because कई लोगों को नहीं समझ आता है कि you know, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, उसने उसकी इंडिविजुअलिटी देख के उसको पसंद किया है. दे यू नो आई लाफ समटाइम्स व्हेन पीपल से कि वो ऐसा है, वो एयरपोर्ट पे 10 कदम आगे चल रहा था, ये है वो है. आई मीन, शी नोज व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही हैज एंड ही नोज व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी शी हैज. सो दैट्स व्हाट दे आर अट्रैक्टेड टू एंड दैट्स व्हाई दे आर टुगेदर. सो यू नो end of the story. And ये भी तो सोचो ना कि you know, this is completely different यार. Personal and professional life, these are completely different. If you know, we are shipping them because they are real couple, है ना निधि? They are real couple, इसलिए you know we are shipping them. But they have a life beyond that, and that life basically relates to their professional life. So they need to do well in their professional life as well. So yes. I really don't think that will ever. That, oh, they are getting married or they are not getting married. It's up to them. They are there to reveal, and they are there to announce. What we do right now is we are supposed to, you know, support them. Exactly. You know, we are their fans. Why did we become their fans? Because they were out there on a show. Of course, they were showing their reality, and we love that reality. But the fact is they were there on a Big Boss show, and our job was to support them there. And right now they're working. Our job is to support their individual or work together, whatever work they're doing. You know, what they're doing in their personal lives is their personal choice, and they will go ahead and announce whatever they need to announce, whenever they need to announce. Till then, whatever they're doing, if you ship them, if you love them, then support it. Be it it's Mama's Earth, or be it it's Broken But Beautiful, you know, she performing in a New Year event, whatever. Your job is to support them. मेरे ना वो आने बंद हो गए हैं. I can't see any comments or anything. तो मुझे नहीं पता कि क्या कह रहे हैं या क्या नहीं कह रहे हैं. But well, people are saying Rahi Shines. There's a person called Rahi Shines. She types, then Nidhi, why people say that she is not going to marry soon as she has just started her career. I saw somebody commenting on it, because I actually believe that marriage can never harm anyone's individuality. People, so that was a question for you, Nidhi. Yeah, people will say whatever they want to say because they want to be their advisors. And I keep on saying, and I keep on repeating myself, I don't change my statements, you know, because people want to put words in their mouth. They want to dictate them, you know. So you don't need to agree or disagree with people. You don't need to agree or disagree with me either. You know, it's your choice whether you want to take my opinion or not. Everyone is entitled to their own opinion. What I'm saying is that whenever marriage is going to happen, if it is going to happen, it is their choice and it is their thing to announce. Who are we to put the words in their mouths? नहीं दी, एक्चुअली दी आप पता नहीं आप ये चीज मानती हो या नहीं, बट यू नो मेरे लिए मैं समझती हूँ लोग क्यों ये शादी वाले जो यू नो लाइक द एंटायर मैरिज थिंग, यू नो व्हाई इट कम्स अप निधि दी, आई एम श्योर यू विल एग्री टू मी, यू एग्री विथ मी, you know, because we ship them, because we love them, hai na, they are real couples, so because we love them, because we ship them, we expect them to get married. But yes, Nidhi, you're right, it is their call when they want to get married, when they want to have children, it's their call. We are nobody to decide ki SidNaaz kab shaadi karenge, SidNaaz you know kab bacche honge, ye sab बहुत ही वाहियात चीज है, हमें नहीं करना चाहिए ये सब. बट हाँ मैं ये भी समझती हूँ, यू नो क्यों हम ये सब करते हैं, क्योंकि यू नो वी लव देम वी शिप देम, सो वी वांट टू नो दैट इफ दे आर एक्चुअली गिविंग इट अ फ्यूचर और नॉट. सो आई थिंक दिस इज द रीजन निधि. इससे ज्यादा तो यू नो लाइक SidNaaz, आर यू देयर? Yes, are you there? Yeah, I'm here. So I think this is the reason. और क्या होगा, क्योंकि लोग तो पागल है ना इन दोनों के पीछे, कुछ भी आ जाए यू नो वी गेट मैड, हम पागल हो जाते हैं. आज 2 पिक्चर्स आई है, मैं तो पागल हो चुकी हूँ लिटरली, आई वाज जस्ट वाचिंग द पिक्चर्स. वाओ जॉय, इतना प्यार. पीपल लव देम, आई मीन आई लव देम, बट यू नो यू हैव हर्ड मी ऑलवेज लाइक आई वुड नेवर से until they announce, oh, they should get married. I mean, in my heart, yes, absolutely, I want to see them together forever. But I am not giving, you know, because their personal reasons. Like, you know, I am different. I come from a different society where it's okay for me to have a relationship, you know, without marriage for a long period of time. And like I said, you know, I want to respect them, I want to give them privacy, so I am not going to push and you know have this thing going on, oh please get married. What I am saying is I ship them and I ship their work, I ship them together, I ship them individually. So what I will say is and maine pehle bhi Aman ki live mein aur apni live mein bhi bola hai, what I want you guys to do is support them thick and thin on any projects they have. And when they have the projects going on, you know, they need to earn their bread and butter. And in this kind of pandemic, if they are getting any kind of work, they are lucky. And we are lucky to see them out there. Yeah. और आपको तो पता है ना निधि जी कि मैं तो पागल ही हूँ उन दोनों के पीछे. Absolutely, you are, and so am I. You know, so am I. And there is a reason why you are connected. I mean, for me, this was the time last year around when I started seeing you know Big Boss, and I have said told people Hindi भाषा का उपयोग करें. अमन जी की लाइव में ऑडियंस बोल रही है, Big Boss चाहते हैं हिंदी में बात करें. तो जॉय की हिंदी तो माशाल्लाह है ना दीदी. ओके, माय हिंदी तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी है और धीरे धीरे तो और भी अच्छी होती जा रही है. मेरी हिंदी तो माशाल्लाह इतनी बढ़िया है. निधि दी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय हिंदी? सच बोलना. नहीं, तुम्हारी हिंदी अच्छी है यार, ऐसा कुछ नहीं है. Hi guys. अरे पूजा जी कहाँ जा रही हैं, जरा दिखा दो हमारी ऑडियंस को. पूजा दी, आज तो मेरी पार्टी है यहाँ. पूजा आ गई. क्या चल रहा है कहाँ यार अमन, ये दोनों यू नो लाइक फॉरेनर्स के साथ. अरे हम तो यूपी के छोटी सिटी में बैठ के लाइव कर रहे हैं और ये देखो कहाँ घूम रहे. एक स्नो में, एक अमेरिका की सड़कों पे. ओह माय गॉड, देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गए. निधि दी, नॉट निधि दी, पूजा दी, अम्मा बोल दो. आई नो, जब भी मैं आज इनकी मैंने जो पिक्चर देखी, ओ माय गॉड इतने पूजा दी मैं मर गई. आपको पता है मैं ना सीरियसली आई वाज गो एंड गन यार, ये दोनों इतने क्यूट है यार, मर के जिंदा होती है. आई नो जॉय, मैं मर गई. मैं सीरियसली मैंने 5 मिनट में मैंने वीएम बना डाली सीरियसली. I know. I was like, थू लग रहे थे. अमन। आई सीरियसली मुझे पता नहीं है, मेरे ना सब कुछ ब्लॉक हो गया है, मेरे मैसेजेस भी नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। आ जाओ दोबारा, आ जाओ, मेरे को ड्रॉप दोबारा, आ जाओ। ओके ओके। तो आजकल क्या चल रहा था? आई मैंने ज्वाइन लेट किया, क्या क्या टॉपिक चल रहा था? कुछ भी नहीं, हम बस सिडनाज फैंस के पास तो कुछ भी टॉपिक मिल रहा है उसी पे स्टार्ट है। मैं तो बस बोल रही थी कि मैं क्या पागलपंती कर रही थी आज पिक्चर्स आने के बाद। यू नो कुछ भी मिल जाए ना तो मैं खुश हो जाती हूँ। ये यार ये लोग तो स्टोरी पे स्टोरी यू नो लाइक डालते, यू नो दे आर पुटिंग अप स्टोरीज ना। तो कुछ यू नो मैं बस आंखें यू नो लाइक आई जस्ट keep my eyes zooming in into the stories ताकि कुछ सिडनाज के कोई कंटेंट मिल जाए। और जब कहीं भी सिडनाज you know like wherever I see लिखा हुआ है कि सिडनाज you know I am like my 32 teeth are out। I know। नहीं कल जब सब कह रहे थे ना कि उसमें शहनाज का आउटफिट नजर आ रहा है, नाइट सूट नजर आ रहा है, तो मैंने जाके मतलब फिर मैंने आफ्टर लाइव मैंने फिर जाके जूम किया कि तो एनीवे सेम मैंने भी जूम किया और मैंने जूम करके सेव करके रख लिया है, फ्यूचर में देखेंगे, अच्छा लगेगा। अच्छा किया है अमन। अभी आपको लोग, बहुत सारे लोग आपको क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ समोसा स्टोरी के बारे में, कुछ बोलना था क्या आपको? समोसा स्टोरी के बारे में तो सब लोग जानते हैं। आप लोग जब सिद्धार्थ दिल्ली से लौटे थे, समोसा स्टोरी अमन, समोसा स्टोरी अमन, क्या समोसा स्टोरी? मैं नहीं जानती क्या कहते हैं। आप सबको तो पता ही है, जब सिद्धार्थ दिल्ली से लौटे थे News 24 का इंटरव्यू देके, तो शहनाज को पिकअप नहीं कर पाए थे MSK के वीकेंड शूट पे। तो सिद्धार्थ और शहनाज फिर मिले मुंबई में, और सिद्धार्थ और शहनाज को एक रेस्टोरेंट में स्पॉट किया गया जो कि अंधेरी में है। तो सिद्धार्थ कार से उतरते हैं और समोसे लेते हैं उस रेस्टोरेंट से। तो जब ही वहाँ पे एक फैन भी खड़ा होता है और वो फैन सिद्धार्थ के साथ पिक्चर क्लिक करता है। जब वो सेल्फी लेता है तो बैकग्राउंड में शहनाज कार में क्लियरली बैठी हुई देखी जा सकती है। सो फिर मैं पिक्चर, मुझे वो कैसे मिली क्योंकि वो पिक्चर मुझे उस फैन ने दी और उस फैन ने मुझे सब कुछ बताया कि सना कार में बैठी रही, सिद्धार्थ ने समोसे लिए। वो जो कार में बैठी हुई थी वो समोसे लेने गया था क्या सिड? यस वो वहीं का था ना, रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हुआ था। और सिद्धार्थ के साथ उसने पिक्चर क्लिक की, फिर उस फैन से मैंने बात की। वो पिक्चर तो इस स्टोरी को भी सोलोस ने झुटला दिया पिक्चर देखने के बावजूद भी। सोचिए सोलोज बिलीव ही नहीं करना चाहते कि सिडनाज साथ में खुश है। मुझे समझ में नहीं आती है लाइक ये सोलोज चाहते क्या है। मैंने उनका नाम रखा हुआ है दे आर कबूतर्स, जैसे कबूतर का होता है ना कि आंखें, कि जैसे आंखें बंद कर लो और उनको लगता है कि हमें कोई पकड़ने के लिए नहीं आ रहा। जैसे आंखें बंद, दिन में भी कोई आंखें बंद करे तो उसको अंधेरा नजर आता है, राइट? तो दे आर लाइक दैट, वो डिनायल मोड में है। Live is getting cancelled. Thanks for watching everyone. अगर आपको मेरे Instagram लाइव अच्छे लगते हैं अबाउट सिडनाज तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू, योर एडमिन अमन।